एक सब्सक्राइबर का कमेंट मेरे पास आया था, उसकी क्यूरी सॉल्व की थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी क्यों ना शेयर की जाए। क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर मेरे सवाल ये है सर, कॉलम ए में 8 ईयर्स 9 मंथ 29 डेज लिखे हैं एंड कॉलम बी में 7 ईयर 6 मंथ 20 डेज लिखे हैं। आप कॉलम सी में कॉलम ए और बी को कैसे फॉर्मूला लगा के जमा हो जाए? बहुत सारे दोस्तों ने कहा ये नामुमकिन है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा एडवांस है। मैंने फार्मूलों से भी ये कैलकुलेशन की हुई है, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस को यूज़ करते हुए सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन लिख लिया फर्स्ट और सेकंड, और इसको हमने यहाँ फार्मूलों से कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेवल एडवांस है, तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और मैं आपको इसी डेट को दूसरे तरीके से आसान जो होगा वो तरीका समझाऊंगा, तो ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा इसके अंदर भी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। राइट क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी पे चेक, और इसकी एक कॉपी ले लेंगे। ठीक है जी, कॉपी लेने के बाद यहाँ से ये वाला सेक्शन जो है वो मैं फिलहाल अभी क्लियर कर रहा हूँ, और इसको हम स्ट्रैक करेंगे अलग अलग कॉलम में। इसके लिए फार्मूला के अंदर आ जाए, फार्मूला में डेटा मेन्यू के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड डेलीमाइटेड और फिक्स है, डेलीमाइटेड नेक्स्ट, और यहाँ पर हमारे पास अब हमें सेपरेट करना है। अगर हम यहाँ पर अनचेक करेंगे तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हुए इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ कॉमा के साथ ये सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन हमें कॉमा सेपरेटेड करना है और उसके साथ हमें स्पेस भी हटानी है। स्पेसिस के साथ जो है वो टैक्स जो होगा नंबर से अलग हो जाएगा इस तरह से। और इसका भी सब्सक्राइबर के लिए भी मैं बता दूंगा, स्पेस होगी तो आप ये रख सकते हैं, ऑप्शन वाला जो सेपरेटेड होगा सिर्फ कॉमा से भी आप अलग स्ट्रैक कर सकते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पे कॉमा और स्पेस दोनों थी, तो मैंने यहाँ पर जो है वो दोनों पे चेक लगाया जो आपने सवाल में रखा है उस हिसाब से। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें रिटर्न जब ओके करेंगे तो ये इस तरह से सेपरेट कॉलम में डाटा आ जाएगा एक्सेल शीट में हमारे पास, लेकिन हमें ज़ाहिर है या तो हम बाद में भी डिलीट करेंगे अगर हमारे पास यहीं पर ये ऑप्शन आ जाता है कि हमें मंथ ईयर और डेज लिखे हुए नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डू नॉट इम्पोर्ट स्किप कॉलम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, ये आना चाहिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप, और यहाँ पर इस पे भी डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप, मैं उसके बाद फिनिश क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिनिश क्लिक करेंगे देखिए कैसा सिंपल तरीके से सारा काम हो गया। ये हमारा सेम प्रोसेस इसके लिए भी होगा, ये फर्स्ट थी ड्यूरेशन, ये सेकंड था, और इन दोनों को प्लस करके मंथ डेज और ईयर में हमें आंसर निकालना है। तो इस सेक्शन को मैं यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ, यानी हमारे पास ईयर कौन सा है मंथ कौन सा है ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ पर ये ईयर हो गया, और यहाँ पर ये मंथ हो गए, और यहाँ पर ये डेज हो गए। सेम इसी के साथ कंट्रोल शिफ्ट प्लस तीन कॉलम्स में ऐड कर रहा हूँ ताकि इस डेट का भी सेपरेट इन तीन कॉलम्स के अंदर रिकॉर्ड में आ जाए। सेम यही तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा टेक्स्ट टू कॉलम, अब हमें वही नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट के साथ जो हमें नहीं चाहिए यहाँ पर फिर अगेन नेक्स्ट, और जो जो कॉलम स्किप करना है वहाँ से क्लिक डू नॉट इम्पोर्ट, फिर क्लिक डू नॉट इम्पोर्ट, फिर क्लिक डू नॉट इम्पोर्ट, और फिनिश। ठीक है जी, हो गया, और इसके साथ यहाँ से अब हम इसको मर्ज कर लेंगे। इसको हम यहाँ से राइट क्लिक, एक्स्ट्रा कॉलम जो आ रहा है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और सेम यही काम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो ईयर मंथ हेडिंग्स आ रही थी सेम ये वही है। कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, डबल क्लिक कॉलम के पास से सिलेक्ट, डबल क्लिक ऑटो फिट के लिए, सेम इसको भी सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक ऑटो फिट। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गई डेट सेपरेट करने की, तरीका हमने देख लिया ये किस तरह से करना है, ये काम एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी चीज इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी एक सेक्शन अलग हो जाए, ये फर्स्ट ड्यूरेशन है, ये लास्ट ड्यूरेशन है, तो समझ में आ जाए हमें आराम से। इसको मैंने कलर कर दिया, और फिर भी हम यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट, यहाँ पे मर्ज, और यहाँ पे मर्ज, ये हमारा फर्स्ट ठीक है जी, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के नाम से हमने यहाँ पर अपडेट कर लिया इसको।
अब नेक्स्ट क्या करना है, इनको हमें करना है मर्ज दोनों ड्यूरेशन को। अब मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम इस तरह कर सकते हैं, मर्ज सेक्शन। स्टेप्स से सारे चीजें मैं बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन सा स्टेप किस लिए यूज किया हुआ है हमने। अब मर्ज में हमें क्या करना होगा, ये वाला ईयर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसका कलर में कर लेता हूं थोड़ा चेंज। फर्स्ट ईयर हम प्लस करेंगे सेकंड वाले पीरियड ईयर से, तो ये 15 कुछ इस तरह से देगा हमें। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर अगेन मंथ फर्स्ट पीरियड वाले का प्लस करेंगे सेकंड पीरियड वाले मंथ से, फिर इंटर, फिर इसको भी ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। 9 और 6 15 8 और 7 15 दोनों सही है, ड्रैग कर लेंगे। फिर इसके बाद डेज आ जाएंगे, डेज में भी यही, डेज का फर्स्ट सेल प्लस करेंगे डेज का सेकंड पीरियड का फर्स्ट, इंटर, तो 20 और 29 49 ड्रैग हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर, अब ये 15 ईयर है और ये 15 मंथ, तो 3 मंथ होने चाहिए और इसका माइनस 12 करेंगे और वो पूरा 1 ईयर बनकर कहाँ आना चाहिए, इस ईयर में। तो इसको किस तरह से हैंडल करें, जैसे डेज आ गए 39, तो 30 का तकरीबन हमारा 1 मंथ होता है, तो वो मंथ हमारा इधर ऐड हो जाए। जब वो इधर मंथ ऐड होगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, टोटल 16 मंथ, और इधर क्या रिमेनिंग बचना चाहिए, 30 निकल जाएंगे, तो फिर हमारे पास तकरीबन 19। इस तरह की यानी ये कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी ना, ये कैलकुलेशन है, लेकिन ये सॉल्व होगी, ये मैं बताऊंगा कैसे करनी है आप। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल को डेज में। जैसे 49 ऑलरेडी डेज आ रहे हैं, अगर हम मंथ की बात करें तो 1 मंथ पे हमारे कितने 30 डेज एक अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं हम, ठीक है जी। तो और अगर हम साल की बात करते हैं तो 365 डेज होते हैं ऑलरेडी हमारे, ठीक है जी। तो हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे टोटल डेज में कन्वर्ट करने के लिए, अब ईयर इन डेज यहाँ पर या तो हम एक्स सेक्शन बना लेते हैं, वाई डी कर देता हूँ ईयर डेज, एम डी कर देता हूँ मंडेज, और ऑलरेडी डेज तो है ही हमारे, ठीक है जी। अब ईयर के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे हमारे पास 15 365 वन ईयर के डेज है, तो हम इक्वल लगा के इसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 365, ठीक है जी, हो गया। 15 साल है, मल्टीप्लाई 365, तो टोटल ईयर में जो डेज है वो आ गए हमारे ये, ड्रैग कर लें इसको। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन एक साल के 365 है 12 महीने के हमारे, ठीक है, और उससे ऊपर जो है इनके तकरीबन यहाँ पर कितने डेज बनेंगे, 3 मंथ के लगाएंगे तो 90 इस तरह से। तो यहाँ पर इक्वल अप्रोक्सीमेट 30 डेज जो होता है वो काउंट किया जाता है वर्किंग पीरियड के अंदर, भी सैटरडे संडे वीकेंड वगैरह भी अक्सर होते हैं उसके अंदर, या हॉलीडेज वगैरह भी, तो इतना एक्यूरेट नहीं होता है अप्रोक्सीमेट, हम उसमें कैलकुलेशन में ऐड करते हैं। तो 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 30 और इसको फिर हम ड्रैग कर लेंगे, तो 30 के हिसाब से जितने मंथ होंगे उनके कन्वर्ट हो जाएंगे डेज में, ठीक है जी। 7 है 30 21 2 10 हो गए, इसी तरह 10 है 30 300। अब डेज ऑलरेडी हमारे पास डेज है, तो इसके लिए हमें इसकी कोई नीड नहीं है अलग से कॉलम में लाने की। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर टोटल डेज कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ही कॉलम के अंदर टोटल डेज करना है, तो मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ इसको, इक्वल टोटल डेज, यानी जो पीरियड था हमने उसको टोटल डेज में चेंज किया है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 365 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 30, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये काम कर लेते हैं, इक्वल लगाएंगे ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 365, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन ब्रैकेट ओपन, मंथ सिलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30, अगेन ब्रैकेट क्लोज और प्लस कर देंगे डेज। तो ये दोनों जो डेज में आंसर आएंगे उसके साथ इसके अंदर जब डेज प्लस हो जाएंगे टोटल हमारे पास डेज में आ जाएगा सब, एंटर। तो अब टोटल हमारा क्या बन रहा है, 5974 डेज, इक्वल कर लेते हैं इसको प्लस करके, डायरेक्ट भी देख लेते हैं फॉर्मूला हमारा सही है या नहीं, एंटर और ड्रैग, बिल्कुल सही है, ठीक है जी।
अब इन दोनों की जरूरत नहीं है। हो गया यहाँ पे, और इसी को मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज के साथ इसको हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग कर लेंगे, तो टोटल आ गया हमारा ये डेज के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या बनेगा? नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो बनेगा वो ये बनेगा कि टोटल ईयर मंथ और डेज हमारे सामने रिजल्ट में आ जाए यहाँ पे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, ऑल सिलेक्ट कर लें अच्छी सी फॉर्मेटिंग के साथ, तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से सेक्शन। ठीक है जी, डार्क कलर रखना है डार्क कलर ले लेते हैं यहाँ से, लाइट रखना है लाइट। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, टोटल हमें आंसर चाहिए इसका, मंथ ईयर और डेज में कितना पीरियड बना है इनका। अब अगर आपकी लिस्ट ज्यादा होगी, डेट फर्स्ट और लास्ट इस तरह से आपके कॉलम में ज्यादा एंट्रीज है, तो आप लास्ट कॉलम में यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिएगा। मैंने कुछ शॉर्ट्स लिखी हुई तीन चार, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए कम लिखी है एंट्रीज, तो मैं इधर आपको समझा रहा हूँ ठीक है, ताकि नीचे पूरी शीट कवर हो जाए वरना आगे काफी बड़ी हो रही है शीट। तो टोटल डेज का जो सेक्शन है वो मैं यहाँ पे दोबारा हेडिंग्स को रिपीट कर लेता हूँ। और एंटर के साथ मैं यहाँ पर इक्वल लगाऊंगा ये वाले सेल यहाँ पे, नीचे कॉपी कर लेता हूँ टोटल डेज। ठीक है जी, आ गया। और अब यहाँ पे हम रिजल्ट देख लेते हैं अपना इन सब का, यानी क्या ईयर मंथ और उसके अंदर आंसर बनेगा हमारा। ठीक है जी, अब यहां पर टोटल पीरियड, टोटल ड्यूरेशन, टोटल जो भी आपका यहाँ पर होगी कैलकुलेशन में हेडिंग आप बना सकते हैं अपनी। ठीक है जी, मैं टोटल कर रहा हूँ ड्यूरेशन दोनों को जमा करके, यानी जो आंसर आएगा ड्यूरेशन या पीरियड कर लें जो भी आपको सही लगे। ठीक है जी, अब यहां पर हमें फॉर्मूला यूज करना है इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन जीरो कॉमा, अब सेल ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसका हमने आप ये वाला अगर यहाँ फॉर्मूला लगा रहे तो ये सिलेक्ट कर लिएगा। अब मैं ये सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या चाहिए, वाई फिर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा, इसके साथ हमारा ईयर लिखा हुआ आ जाए, और फिर यहाँ पर स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के साथ इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और इसको मैं करूँगा कंट्रोल वी, वाई के साथ एम, फॉर्मूला पूरा वही रहेगा, सेल भी यही सिलेक्ट होगा सेकंड कंडीशन में। और इधर इसके साथ जो कंडीशन लगेगी ईयर के बाद, यहां पर आ जाएगा हमारा मंथ कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहां पर हेडिंग हम बनाएंगे मंथ, और सेम फिर इसी डेटेड इफ कंडीशन को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी डेज के लिए, फिर आगे पेस्ट वही फॉर्मूला रहेगा पूरा, और यहां पर हम कर देंगे इसको एम डी, और फिर यहां पर एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डेज, और फिर यहां पर आ जाएगा स्पेस। ये फॉर्मूला पूरा आपका जो पीरियड होगा डेज का, उसको मंथ में कन्वर्ट करके ईयर में मंथ, फिर ईयर के बाद जो मंथ बचेंगे वो, और उसके मंथ के बाद जो ऊपर डेज बचेंगे वो, इन दोनों को पहले अपने कैलकुलेट किया और डिवाइड डेज में किया, फिर डेज से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया टोटल ड्यूरेशन, एंटर ड्रैग। ठीक है जी, थोड़ा सा आपको इसमें स्टेप्स लगे होंगे लेकिन सीखने को भी मिला होगा नई से नई चीजें, और किस तरह से इसको हैंडल करना है एक दफा आप प्रैक्टिस करें। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने इस तरह का कोई काम आ जाएगा करने का और आपको नहीं पता होगा तो यही चीज आप फिर देखेंगे बैठेंगे और करेंगे सब। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, खुद भी पहले से सीखें, पहले से अपनी तैयारी रखें हर चीज़ की जो फेस करनी पड़ सकती है आपको, वो शार्प साइन चैनल पर आपके साथ शेयर की जाती है, तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सकें, उन लोग का भी फायदा हो। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना है, रिस्पॉन्स आपके पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।